इधर आओ, हाई कर दो। मानो 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 उन्हें नहीं करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं काफ़ी वैसे लेट निकला हूँ बाहर, तो शाम हो गई है, तो आज पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे तो नज़र आ रहा है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन है, तो वाइज़र उठा के भी मैंने देख लिया है, तो आज काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हुई हुई है। ये वो होता है ना स्मोग, ये वो चीज़ आज लग रही है, आज काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो वैसे आज ठंड भी है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो अभी ठंड लग रही है, तो मैंने जैकेट वगैरह कोई भी नहीं पहनी हुई। आज काफ़ी दिन था, तो मैंने कहा चलो जी आज बाइक राइड पे दोबारा चलते हैं। असल में इसे मैं रोज़ाना इसलिए लेके निकलता हूँ, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इसकी जो बैटरी है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर है, तो अगर ज़्यादा दिन ये घर खड़ी रहे तो फिर ये स्टार्ट ही नहीं होती, फिर धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं अब इसे कोशिश करता हूँ कि रोज़ या नहीं तो एक दो दिन के बाद निकाला करूँ। आज रश काफ़ी ज़्यादा है, तो शाम का वक्त है, पता नहीं इसलिए ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा रश है अभी तो सड़कों पे, रक्षों का कुछ ज़्यादा ही रश है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बनने जा रहा है लैंडस्केप समुंदरी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा काम इसी तरह के हो रहे हैं, तो रोज़ाना आपको अपडेट मिलती रहती है यहाँ। ये आज बाइक बात करते हैं, इस बाइक के ऊपर जो मेरे पास बाइक है, काफ़ी अच्छी बाइक है ये, तो मज़ा आता है काफ़ी ज़रा चलाने का। इसमें भी कुछ यार प्रॉब्लम्स तो हर बाइक के साथ साथ आती रहती हैं, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मज़ा आता है इस बाइक को यूज़ करने में, चलाने में। तो मुझे इस बाइक को रखे हुए 3 साल हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे सड़कें काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई हैं, तो बड़े आराम से चलना पड़ता है यहाँ से। अगर तो बाइक को कोई झटका वगैरह लग गया, कोई गंदा सा, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरे ये मोटो व्लॉग्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो अपना छोटा सा शहर है समुद्री, तो इसमें क्या मैं आपको लेकर घूमता रहूँ, तो जितना हो सके आपको समुद्री भी इंजॉय करवा देते हैं, बाइक राइड भी करवा देते हैं, जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो उम्मीद है आपको व्लॉग्स जो है पसंद आ रहे होंगे। अगर आप में से किसी ने खुदा और मोहब्बत ड्रामा देखा है और पूरा देखा है, तो नीचे कमेंट करें कि आपको उसका जो एंड है, लास्ट एपिसोड है, वो कैसा लगा। मैंने वैसे सारा ड्रामा देखा, तो मुझे जो लास्ट एपिसोड है वो किसी काम का नहीं था, वैसे ही टाइम ज़ाया किया, इतने लंबा ड्रामा देख रहे थे तो ये बस टाइम ही ज़ाया किया, किसी काम का उन्होंने एंड नहीं किया। बस अगर मारना ही था तो पहले मरवा देते, ये क्या ड्रामा हुआ। ये वैसे ड्रामे में ड्रामा कर लिया उन्होंने, मज़ा नहीं आया। तो अब परिजात जो देख रहे हैं तो वो भी कभी अच्छा ड्रामा है, तो अब उसमें देखते हैं कि क्या करते हैं आगे, एंड क्या करते हैं। अब तक जो चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है वो, और काफ़ी अच्छा ड्रामा है। तो फ्री में प्रमोशन हो रही है, पता नहीं ड्रामे की हो रही है कि मेरी हो रही है। तो खैर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा बाइक राइड करने का, मौसम ठंडा ठंडा मौसम है और थोड़ा सा फोगी सा मौसम है, आपको नज़र आ रहा होगा सूरज भी नीचे चला गया है, मगरब हो गई है। तो यहाँ पे आप घर देख सकते हैं, ये धुआं निकला है, क्या खूबसूरत सीन है इनका। तो मेरे पीछे से मेरा घर गाड़ी नहीं कोई भी नहीं है, तो यहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा ही कोई नहीं आगे जाने का। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है आपको पता ही है। तो ये जो हमारा सिटी समुद्री है, तो यहाँ से कबड्डी प्लेयर वो बहुत ज़्यादा यहाँ से है, इसलिए इस शहर को क्या कह सकते हैं। पहले तो आप ये देखें, शाम का वक्त है, अभी इनके खाने पकाने का टाइम हो गया, तो धुएँ निकल रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत मंजर है, देहात का मंजर नज़र आ रहा है, लेकिन ये देहात नहीं है, ये खाना बदोश होते हैं, तो ये सारा पाकिस्तान घूमते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे अपना डेरा लगाया हुआ है। मैं कह रहा था कि समुद्री जो है उसे सिटी ऑफ कबड्डी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी आसपास के गांव हैं समुद्री के, तो वहाँ से जितने भी कबड्डी प्लेयर्स हैं वहाँ से हैं,
तो काफ़ी ज़्यादा ये प्लेयर्स जो है समुद्री के आसपास के गांव से, इसलिए इसे सिटी ऑफ कबड्डी का नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन काम वगैरह हो रहा है आपको आपके दिखाता हूँ जाके, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो वहाँ पे चौक ऑफ कबड्डी के ऐसी कोई नाम है इसका, तो वो रखने लगे हैं उसका, तो वो बन रहा है कबड्डी के लिए। तो समुद्री को कबड्डी के नाम से मशहूर किया जाने लगा है, जैसे कि गोजरे की कोई और चीज़ मशहूर। हाँ मुझे याद आया कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कभी गोजरा भी फिर के आएँगे। मैंने कहा अभी आज तक कभी गोजरा अंदर से घूम के नहीं देखा, तो आज तो कभी प्रोग्राम बनाएंगे मुजम्मल के साथ, तो फिर गोजरा घूम के आएंगे, खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मैं भी लाइट्स वगैरह ऑन कर ही लूँ, मैं खैर आज राइड जो है मैं स्लो ही करूँगा, स्लो ही करेंगे आज। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको आज वाली राइड पसंद आएगी। देखें मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स डाला करूँ, तो डेली व्लॉग्स डालने के चक्कर में तो फिर यही तो डालूंगा ना कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मैं वही दिखाऊंगा। तो आज मैं बाइक राइड करने निकला, तो आज आपको बाइक राइड दिखा दी, जब मैं शादी पे गया आपको शादी दिखा दी, अगर मैं घर में कुछ भी नहीं कर रहा तो वो भी दिखा दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो डेली व्लॉग ही मैं ऐसे ही चल रहा। हाँ अगर मैं महीने में एक मरतबा व्लॉग डालूँ या हफ्ते में एक दफ़ा डालूँ, उसमें हो सकता है कोई ऐसा कोई कंटेंट मैं निकालूँ कि जो आप देखें। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कंटेंट मैं दे सकूँ, जितनी मैं रेगुलरली वीडियोस डाल सकूँ, मैं सिर्फ उसी कोशिश में हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वीडियोस डालूँ, ताकि आपकी नज़रों में मैं रहूँ कि ये एक बंदा है जो रेगुलर वीडियोस डाल रहा है। मैं सोच रहा था कि समुद्री के अंदर से डालूँ, नहीं मैं बाहर बाहर से निकालूँगा। और आज थोड़ी सी भगा लेते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा राइड का, थोड़ा सा भगा लेना चाहिए। वाह 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 वाह, इस बाइक की एक अच्छी बात ये है जो इसका एक्सलेशन है वो तो है ही है, तो साथ ब्रेकिंग बड़ी अच्छी है इसकी। आगे डबल डिस्क ब्रेक है, पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक है, आगे डबल डिस्क ब्रेक और डबल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, तो पीछे एक डिस्क ब्रेक है और सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। तो आगे की ब्रेक इसकी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पीछे की भी पावरफुल है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल आगे की होती है, तो इसलिए आगे की ज़्यादा पावरफुल डिस्क ब्रेक है। तो ब्रेक्स इसकी बनस्बत दूसरी बाइक के अच्छी लग जाती है और महफूज है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। और भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, अगर आप छोटी कैटेगरी की बाइक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बाइक है। हर चीज़ है इसमें, शो भी है आप कह सकते हैं, खाफा भी कह सकते हैं, आप इंजॉय भी कर सकते हैं इस बाइक को, आप भगा के इंजॉय भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ इस छोटी सी कैटेगरी की बाइक में है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, कॉस्टली हो गई हैं, तो जैसे जैसे डॉलर रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इन बाइक का रेट भी बढ़ रहा है। तो ये जो चौक है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी चौक है, तो इस टाइम तो ख़ास तौर पर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया। लाइट्स मेरी ऑन है, तो ये जी मैं दिखा रहा था ये कॉलेज है, यहाँ से मैं FSC की है मैंने यहाँ से, तो अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो यहाँ पे भी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा रश है तो लो लाइट्स ऑन हो गई हैं, शाम होते ही लाइट्स भी ऑन हो गई हैं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ से टर्न ले लेंगे। टर्न काफ़ी ज़्यादा पानी छिड़का है यहाँ पे, तो बाइक आराम आराम से निकालते हैं यहाँ से, गंदी ना हो जाए कहीं पे। अभी ये मेरा सेटअप जो है बाइकिंग का तो काफ़ी ज़्यादा सेट हो गया, तो इंशाल्लाह ताला अब रोड ट्रिप करते हैं कोई छोटा सा, तो वहाँ पे भी आपको मोटो व्लॉग्स भी दिखाएंगे, आपको किसी जगह का विजिट भी करवाते हैं साथ साथ, कोई बनवाते हैं, कोई प्लान करते हैं प्रोग्राम, कोई प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ पर जाना है, किधर जाना है, क्यों जाना है, क्या करने जाना है, क्या रिकॉर्ड करने जाना है।